撤，撤，撤，撤。तो आज की सबसे पहली स्लाइड है हमारे पास, वो है श्रीलंका से, मतलब श्रीलंका स्पोर्ट्स मिनिस्टर सैक एमिड क्रिकेट क्राइसिस। देखिए, इनको जो श्रीलंका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, इनको सैक्ड कर दिया गया, मतलब इनको वहाँ से निकाल दिया गया। जब आपको पता है कि श्रीलंका में जो क्रिकेट है उस पर काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस चल रही है, मतलब उस पर अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेरेंस कर रही है, किसके बीच में, जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है उसके बीच में। तो उसको देखते हुए जो आईसीसी है उसने जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है उसको सस्पेंड कर दिया था और अभी भी वो सस्पेंशन में है। तो उसी के चलते हुए जो श्रीलंकन स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनको निकाल दिया है, किससे, मतलब जब क्रिकेट के अभी क्राइसिस चल रहे हैं तो उस वजह से वो सब देखते हुए इन जो मिनिस्टर हैं उनको निकाल दिया। चलिए देखिए, यहाँ पर श्रीलंका स्पोर्ट्स मिनिस्टर रोशन रानासिंघे वाज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज पोजीशन ऑन मंडे आवर्स आफ्टर एक्यूजिंग प्रेसिडेंट रणिल विक्रमसिंघे ऑफ प्लॉटिंग टू असैसिनेट हिम। रानासिंघे क्लेम्ड द प्रेसिडेंट वाज अपसेट अबाउट हिज एफर्ट्स टू कॉम्बैट करप्ट। एक्चुअली ये सारा किसके लिए कह रहे हैं कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, मतलब राणा रणिल विक्रमसिंघे, ठीक है, श्रीलंकन जो वहाँ पर प्रेसिडेंट हैं, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं किस पर, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ये लगा रहे हैं किसके ऊपर, इस प्रेसिडेंट के ऊपर कि इन्होंने मुझे असिस्ट किया ऐसा करने के लिए, ठीक है। और उसी को देखते हुए मतलब कुछ ही घंटों के बाद फिर जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है उन्होंने इस मिनिस्टर को वहीं से डिसमिस कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये सुंदर पिचाई क्या है। Google bets big on Bharat GPT to invest $4 million। देखिए, Google जो है Bharat GPT पर $4 million क्या करने जा रहा है, इन्वेस्ट करने जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये है क्या, ताज होटल मुंबई में, जहां पर हम सबको पता है कि जो अटैक हुआ था 9/11 ठीक है,
यहाँ पे आप देखें, ड्रंक मैन कॉल्स मुंबई पुलिस सेज टेररिस्ट हैव इंटर्ड सिटी ऑन 26/11 एनिवर्सरी। देखिए जैसे कल का दिन गुजरा है, कल थी 26 नवंबर, ठीक है, और आज है 27, मतलब 27 है आज, तो कल जो दिन था वो एक एनिवर्सरी थी किसकी, जो अटैक हुआ था मुंबई पर, मुंबई में जो ताज होटल पर हुआ था, तो उसी के चलते एक जो शराबी इंसान है, जो ड्रंक मैन है, उसने ऐसा कहा कि जो टेररिस्ट हैं वो इंटर हो चुके हैं सिटी में, तो उसी के देखते हुए उस आदमी को उन्होंने क्या कर दिया, अरेस्ट कर दिया और पुलिस स्टेशन पर ले जाया गया उसको, चलिए, क्योंकि ये झूठी खबर थी, ठीक है, क्योंकि उसने शराब पी रखी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पर क्या गया, हु वन वट एट फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2023। जो फिल्म फेयर अवार्ड्स अभी चल रहे हैं उनमें कौन कौन अवार्ड्स हैं और कौन कौन जीता है वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, स्कूप बैग्ड बेस्ट सीरीज अवार्ड एट फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2023 हो गए, उसमें जो स्कूप है उसने बेस्ट सीरीज अवार्ड जीता है, ठीक, और मनोज बाजपेयी वॉन द बेस्ट एक्टर फिल्म अवार्ड फॉर सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, इस फिल्म के लिए इनको बेस्ट एक्टर माना गया और आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस माना गया, ठीक है। चलिए बाकी आप नीचे देख सकते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, वाई मूवमेंट टू रिस्टोर मोनार्की इज गेनिंग मोमेंटम इन नेपाल। देखिए नेपाल में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर मोनार्क सिस्टम जो है वो ख़त्म हो चुका है, मतलब राजा वाला, ठीक है ना, जैसे एक राजा फिर दूसरा राजा, तो वो जो चल रहा था अभी राजाओं का दौर, ठीक है ना, तो मोनार्क सिस्टम जो था वो अब ख़त्म हो चुका है, वो 2008 से ख़त्म हो गया है नेपाल में, वो भी डेमोक्रेटिक है, ठीक है ना, जिस तरह से इंडिया है वैसे भी नेपाल भी है, लेकिन अभी वहाँ पर कुछ प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं कि जो मोनार्की सिस्टम है, जो मोनार्क सिस्टम है उसको क्या किया जाए, रिस्टोर किया जाए, उसको वापस लाया जाए, ठीक है ना, उसको दोबारा से लागू किया जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक किस्म का ऐसे कह सकते हैं कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं, ये गवर्नमेंट है वो संभली नहीं जा रही है, मतलब कुछ काम वगैरह नहीं कर रही है, ठीक है, और उसी के चलते हुए यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखेंगे, इंक्लूडिंग कॉल्स फॉर लॉन वेवर्स, ठीक है ना, मतलब अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे ग्रीवियंसिस हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे उनके ग्रीवियंसिस हैं जिनको वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जिनको जिनके लिए वो उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे गवर्नमेंट, ठीक है, तो उसी के चलते उन्होंने कहा कि यहाँ पर मोनार्क सिस्टम होना चाहिए जैसे पहले था, क्योंकि जब मोनार्क सिस्टम था नेपाल में तो काफ़ी अच्छा सिस्टम चल रहा था, लेकिन अब देखिए 2008 के बाद वहाँ पर भी क्या हो गया था, गवर्नमेंट बनना शुरू हो गई थी, लोग इलेक्शन होने लगे, और फिर इलेक्शन के तौर पर जो भी जिस तरह से हमारा यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है वैसे वहाँ भी नेपाल में भी हुआ, लेकिन अब लोग उस चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगभग अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 90,000 के करीब यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स थे वो इकट्ठे हो गए थे इस चीज़ को लेके। अब देखिए अब आगे क्या होता है वो तो जैसे जैसे दिन गुजरेगा, जैसे जैसे रिपोर्ट आती रहेगी आपके साथ जरूर शेयर करते रहेंगे। तो ये थी आज की लास्ट स्लाइड, इसको अब हम यहीं पर करते हैं स्टॉप, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर।